नमस्कार दोस्तों, आज हम स्पेडी करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला 246 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला दोस्तों? स्वांते पाबो को मिला है। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो स्वांते पाबो को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो अपर्णा बाल मुरली को मिला है। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो अपर्णा बाल मुरली को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला दोस्तों? 40वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 40वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? तो कौन बने दोस्तों? लेजे अनिल चौहान बने हैं। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने दोस्तों? तो लेज अनिल चौहान बने हैं। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो बुकर पुरस्कार 2022 जो दोस्तों सोहान करू ना तिलिका जीता है। ठीक, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो सोहान करुणा तिलका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो ज्योति याराजी बनी है। 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो ज्योति याराजी बनी है। लिविंग प्लेटनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी की गई है। लिविंग प्लेट नेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद जीता है। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है दोस्तों? तो हैदराबाद जीता है। राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो भारत के अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो भारत में आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBL कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो हिंदी भाषा में लॉन्च की है। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो हिंदी भाषा में लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली मुंबई रूट पर शुरू की जा रही है। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली मुंबई रूट पर शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, PMDYN योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए है। PMDYN योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेंट ट्रेन रेक विकसित की है? तो हिंडालको ने विकसित किया है।
किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रंट ट्रेन रैंक विकसित की है? तो हिंडाल्को ने विकसित की है। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो भारत ने मेजबानी की है। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो क्या है दोस्तों, 107वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? 107वां है। ठीक है, यानी कि भूखा जो रहता है तो वर्ल्ड में कितना रैंक है भारत का दोस्तों? तो 107वां रैंक है। अगला क्वेश्चन है, देखते होंगे दोस्तों कि भारत में बहुत सारे जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं वहाँ पे उनको खाना नहीं मिलने की वजह से क्या होता है कि भूखे सो जाता है। तो उसी का रिपोर्ट जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर वर्ष जारी करता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की जो है दोस्तों यानी कि भूखा रहने का जो रैंक है क्या है, 107वां रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो IIT गुवाहाटी में शुरू की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो IIT गुवाहाटी में शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रंक पार्क की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश में रखी है। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में रखी है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है दोस्तों? तो कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो मालदीप में खोज की है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो मालदीप में शुरू की है, खोज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और खिलाड़ियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर क्या अमेरिका ने प्रतिबंध वीजा सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो उज्जैन में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविधि ने जीता है? तो वजाहत हुसैन ने जीता है। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो वजाहत हुसैन ने जीता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने जीता है। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने जीता है। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के
पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डक्स अभियान शुरू किया दोस्तों? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। किस कंपनी को, तो दिल्ली राज्य ने शुरू किया है। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो किसको मिला है दोस्तों? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। ठीक है, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र स्टारा रामानुज पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यूनिकिंग टैग ने जीता है। सशस्त्र स्टारा रामानुज पुरस्कार 2022 किसने जीता दोस्तों? तो यून किंग टैग ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। किस राज्य ने भारत के पहले कंडाबूर स्लेडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने घोषणा की है। किस राज्य ने भारत के पहले कंडाबूर स्लेडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की दोस्तों? तो तमिलनाडु ने घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कार्फो वन उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कार्फो वन उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया दोस्तों, सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कार्फो वन, ठीक है, उपग्रह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कैरोलिन बर्टोजी मोटर मेल्टल के बैरी सरप्लेस में नियुक्त रूप में किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो रसायन विज्ञान के श्रेणी में जीता है। अगला क्वेश्चन है, कैरोलिन बर्टोजी मोर्टल मेंडल के बैरी स्पेस ने संयुक्त रूप में किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो रसायन विज्ञान के में जीता है। ठीक है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो कौन बन गया दोस्तों? भारत बन गया है। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया दोस्तों? तो भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो निकोल मॉन बनी है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है दोस्तों? तो निकोल मॉन बनी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो हरियाणा में आयोजित की गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई दोस्तों? तो हरियाणा में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया है। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया है। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर वाहक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो लेबनान को सौंपी है। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो लेबनान को सौंपी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज
पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो न्यूजीलैंड के साथ किए हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो हर स्टार्ट जो है दोस्तों गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी द्वारा बास का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो स्वांते पाम्बो ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेक इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो प्रचंड है। क्या नाम है? प्रचंड। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेक इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है दोस्तों? तो प्रचंड है। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पुल्लमारा बन गया है। कौन बन गया दोस्तों? पुल्लमारा बन गया है। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पुल्लमारा बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड के लिए मंजूरी दी है। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड के लिए मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो समंथा क्रिस्टोफोरेस्टी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? समंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिर के अवशेष पाए हैं? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में मंदिरों के अवशेष और गुफाएं पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम SPD करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो और आगे बना सके। धन्यवाद।